तो यहाँ पे देखिए जो हमारे कोरिएंडर की हार्वेस्टिंग है, देखिए वो भी हमने कर ली, और आप देख सकते हैं कितने सारी हमने देखिए इसकी पहली हार्वेस्टिंग ले ली है, और देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कितना सारा धनिया इसमें लगा हुआ है। तो देखिए इसी तरीके से आप भी अपने घरों में कोरिएंडर को लगा सकते हैं, वो भी उनकी सीडलिंग से, और देखिए कितनी अच्छे हमें इसके रिजल्ट मिले हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में हम फिर आए हैं एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरिएंडर यानी कि धनिया प्लांट्स के ऊपर, कैसे जो हम इसे घरों में इजीली ग्रो कर सकते हैं, वो भी इनकी सीडलिंग से। देखिए पूरा आज की वीडियो में हार्वेस्टिंग तक का इस वीडियो में प्रोसेस देखेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा एंजॉय करिएगा। और देखिए विद बेस्ट पॉटिंग सॉइल और कौन से मंथ में देखिए आप इसे ग्रो कर सकते हैं, पूरा आज देखिए हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा एंजॉय करिएगा। और देखिए अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कोरिएंडर प्लांट्स को अगर आपको घरों में लगाना है तो देखिए जो इसके लिए बेस्ट मंथ होता है तो वो मैं आपको बता दूं। आप इसे चाहें तो देखिए समर सीजन यानी कि गर्मियों के मौसम में, या चाहे आप देखिए विंटर सीजन सर्दियों के मौसम में भी इसे लगा सकते हैं। अगर आप देखिए इसे गर्मियों के मौसम में लगाना चाहते हो तो आप देखिए इसे फरवरी मार्च के मंथ में लगा सकते हैं, और अगर आप देखिए इसे सर्दियों के मौसम में लगाना चाहते हैं तो आप इसे देखिए अक्टूबर नवंबर के मंथ में लगा सकते हैं। लगाने का मेथड देखिए पूरा सेम ही है जो कि देखिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और इससे सिंपलेस्ट मेथड आपको आज तक नहीं मिला होगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसे लगाने के लिए पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस। तो देखिए आपको कोरिएंडर यानी कि धनिया प्लांट्स को लगाना है, सबसे पहले देखिए आपको ले लेना है खाली कटोरी, उसके बाद देखिए इसमें नॉर्मल वाटर फिल कर लेना है। अब देखिए नॉर्मल वाटर फिल करने के बाद आपको ले लेना है कोरिएंडर के सीड्स, आपको देखिए हमेशा ऑर्गेनिक और गुड क्वालिटी के सीड्स को परचेस करना है। तो ये है देखिए हमारे कोरिएंडर के सीड्स। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो सीड्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में से दो भाग में है, यानी कि देखिए बीच में से ये डिवाइड है। अगर देखिए पूरे साझा भी आते हैं, अगर देखिए साझा आते हैं तो देखिए आपको इन्हें बीच में से तोड़ लेना है यानी क्रश कर लेना है किसी भी चीज की मदद से। और एक बात का याद रखना है, हल्के हाथों से आपको करना है। जब देखिए बीच में से दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, इसका देखिए आपको इसे वाटर में गला देना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए मैं इसमें और सीड्स को डाल देता हूँ। इसके बाद देखिए आपको इसे वाटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। वाटर में मिक्स करने के बाद अब आप इसे प्लेस कर देंगे 24 घंटे के लिए SI। तो देखिए अब इन्हें हम जो है पूरी रात भर के लिए SI छोड़ देंगे। अब हम मिलते हैं एक दिन बाद, इससे क्या होगा देखिए इनमें वाटर सोक हो जाएगा और जो हमारे सीड्स की जर्मिनेशन है वो हमें जल्दी स्टार्ट मिलेगी। और देखिए एक बात का आपको और याद रखना है, इसे आपको प्लेस करना है इनडोर, आउटडोर आप इसे प्लेस नहीं करेंगे 24 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमने हमारे कोरिएंडर यानी कि धनिया के सीड्स को देखे वाटर में सोक करे थे, इन्हें करोगे देखो 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए जो हमारे सीड्स है देखे इनमें वाटर अच्छी तरीके से सोक भी हो गया है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका वाटर करते हैं रिमूव। तो देखिए सिंपली हमें एक छन्नी ले लेना है और इसमें से देखिए हम वाटर को कर देंगे रिमूव। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सीड्स थे उन्हें देखिए हमने वाटर में से भी निकाल दिया है। अब देखिए हम इसे ऐसा ही प्लेस रहने देंगे 15-20 मिनट के लिए, जब तक हम देखते हैं इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पे अगर देखिए हम सॉइल प्रिपरेशन की बात करें, उसमें हमें यूज करना है 30% रहेगी हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रहेगा हमारा 1 ईयर ओल्ड कम्पोस्ट यानी कि गोबर की खाद, 20% रहेगा हमारा बर्मी कम्पोस्ट, और 20% रहेगी हमारी कोकोपीट। अब देखिए इन चारों को हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो हमारा कोरिएंडर प्लांट के लिए सॉइल प्रिपरेशन था वो हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पे अगर देखिए पॉट की बात करें तो देखिए जो फूड क्रेट आती है स्मॉल साइज वाली, मैं उसका यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इसकी जो लेंथ और ब्रेथ होती है अच्छी होती है। देखिए जो हमारे कोरिएंडर के प्लांट्स रहते हैं यानी कि धनिया के प्लांट्स रहते हैं, इन्हें वैसे पॉट से ज्यादा पसंद होते हैं जिनकी लेंथ ज्यादा लंबी भी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन उसकी ब्रेथ अच्छी खासी होनी चाहिए।
इसलिए देखिए मैं फूड क्रेट का यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह किसी और भी कंटेनर का या पॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज अच्छा खासा होना चाहिए ब्रेथ में। लेंथ इतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन लेंथ भी देखिए आपको जितनी देखिए मैंने स्पॉट्स की ली है इतनी सफिशियंट होनी चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। लेंथ अगर देखिए ज्यादा स्मॉल ले लेंगे तो उसकी रूटिंग भी ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगी, इसलिए देखिए पॉट आपको अच्छे साइज का लेना है जिस तरीके से मैंने लिया हुआ है। अब देखिए इसके अंदर जो है मैंने पॉलीथिन लगा दी है। अब देखिए पॉलीथिन लगाने के बाद देखिए इसमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए बॉटम में कर लेना है आपको होल्स, क्योंकि देखिए कोरिएंडर प्लांट्स में बिल्कुल भी वाटर एक्स्ट्रा वाटर नहीं रुकना चाहिए, वरना आपके सीड्स के और प्लांट्स के गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसी के साथ साथ देखिए रूट रॉट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद देखिए जो हमने हमारा सॉइल प्रिपरेशन रेडी करा है उससे देखिए पहले हमारी फूड क्रेट को कर लेते हैं फिल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉटिंग सॉइल था देखिए वो हमने हमारे कंटेनर यानी कि फूड क्रेट में भी फिल कर लिया है। ऊपर से देखिए हमने इसे अपने हैंड की मदद से प्रेस कर दिया जिससे इसके एयर पॉकेट्स हैं वे खत्म हो जाएं। अगर देखिए इसमें एयर पॉकेट्स रह जाएंगे तो सीड्स में फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मैंने इसे ऊपर से थोड़ा कंटेनर को खाली भी रखा है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 70% लेना है आपको बर्मी कंपोस्ट और 30% रहेगी आपकी कोकोपीट। इन दोनों को देखिए आपको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको इसका मिक्सचर बना लेना है जिस तरीके से देखिए मैंने बना लिया है। इसके बाद देखिए हम इसकी एक ऊपर से लेयर बना देंगे। तो ऊपर से देखिए हमने कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर की भी एक लेयर बना दिया है। इसके बाद देखिए हम पहले करेंगे इसकी वाटरिंग, फिर हम हमारे सीड्स को करते हैं इसमें प्लेस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो हमारा पॉटिंग सॉइल था देखिए हमने उसे मॉइस्ट भी कर लिया है। इसका देखिए ये है हमारे कोरिएंडर के सीड्स। अब देखिए सिंपली हम इसे क्या करेंगे, सॉइल सरफेस पर कर देंगे स्प्रे। आप चाहें तो देखिए इसके कोरिएंडर को लगाने की ना अलग अलग टेक्निक्स होती है, कुछ देखिए इसे लेयर वाइज लगाते हैं, कुछ इसे देखिए स्प्रिंकल करके लगाते हैं, और कुछ देखिए बहुत से मेथड होते हैं इसे लगाने के। हम देखिए इसे स्प्रिंकल कर रहे हैं, मेनली देखिए इसके दो ही मेथड होते हैं, एक स्प्रिंकल वाला जिस तरीके से ये जो मैं कर रहा हूँ ये, और दूसरा होता है लेयर वाला यानी कि लाइन वाला। यहाँ पे देखिए जो हमारे कोरिएंडर के सीड्स थे वो देखिए हमने हमारे सॉइल सरफेस पर भी स्प्रे कर दिए हैं। और देखिए एक बात का याद रखना है आपको ना, डिस्टेंस पर प्लेस करना है, सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं करना है। तो देखिए इसके ऊपर से हमें सेम पॉटिंग सॉइल की आधा इंची तक की लेयर बना देना है। तो देखिए जो हमने हमारा कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बनाएगा उसी की हमें इस पर लेयर करना है, पॉटिंग सॉइल की नहीं करना है। देखिए ऊपर से हमने जो हमारा कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर रेडी करा था उसकी देखिए हमने क्लियर कर दिया है। अब हाल कल देखिए हम इसकी थोड़ी वाटरिंग और कर देते हैं। तो यहां पे देखिए हमने जो ऐसे ऊपर से देखिए इसकी सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट कर दिया है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें मॉइस्चर बनाने के लिए इसे हम ऊपर से न्यूज़पेपर से कर देंगे कवर, जिससे देखिए इसमें मॉइस्चर बन जाए। देखिए मॉइस्चर बन जाएगा तो जो हमारे सीड्स की जर्मिनेशन है सिर्फ में 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम ऊपर से करते हैं एक न्यूज़पेपर का कवर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉट था देखिए हमने उसे न्यूज़पेपर से भी कवर कर दिया और उसे देखिए पूरा आपको एयर टाइट कर देना है जिस तरीके से देखिए मैंने इसे बांध दिया है।
अब देखिए इसको हम प्लेस कर देंगे तो शेडी एरिया में, जब तक देखिए ना सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट ना हो जाए, फिर हम जो ऐसे डायरेक्शन लाइट में भी प्लेस कर सकते हैं। देखिए जो आपका कोरिएंडर प्लांट्स रहते हैं, यानी कि धनिया के जो प्लांट्स रहते हैं, 12 महीने का प्लांट होता है ये, यानी कि देखिए आप इसे गर्मियों के मौसम में भी लगा सकते हैं और सर्दियों के मौसम में भी इसे आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और देखिए जो मेथड मैंने आपको बताया इस मेथड से आप देखिए 12 ही महीने इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं। और देखिए इस मेथड से आपको 12 महीने में आप कोई से भी मंथ में इसे लगाएंगे तो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए हम कुछ दिन का वेट करते हैं और देखते हैं इसके सक्सेसफुल रिजल्ट आफ्टर 1 वीक। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने हमारे कोरिएंडर यानी कि धनिया के सीड्स को लगाया था, इन्हें लगा हुए देखिए 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके रिजल्ट, आपके देखे सामने ही है इसके रिजल्ट और ये हमारे कुछ 1 हफ्ते बाद के रिजल्ट। वैसे तो देखिए इनके जो सीड्स की स्प्राउटिंग है वो देखिए 2 से 3 दिन में ही स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन देखिए मैंने उसका शूट्स नहीं लिया था, लेकिन देखिए अब मैं इसका 1 हफ्ते बाद का शूट ले रहा हूँ और आप देख सकते हैं 1 हफ्ते बाद कितने ही अच्छे जो हमें इसके रिजल्ट मिले हुए हैं। लगभग देखिए सारे सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। तो देखिए इसी प्रोसेस से यानी कि इसी सेम मेथड से आप भी अपने घरों में कोरिएंडर के सीड्स को लगा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको ब्राइटनेस कम कर करके भी दिखा देता हूँ, तो देखिए कितने ही ब्यूटीफुल इनके सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है। तो अब देखिए इसके ऊपर से हमें न्यूज़पेपर का कवर हटा देना है और अब देखिए हम इसे प्लेस कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि देखिए जो हमारे कोरिएंडर प्लांट्स होते हैं ना, डायरेक्ट सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, चाहे आप देखिए इसे सर्दियों के मौसम में लगाएं, चाहे आप देखिए इसे गर्मियों के मौसम में लगाएं। और देखिए वाटरिंग का ख्याल रखना है स्टार्टिंग फेज पर, देखिए आपको याद रखना है स्टार्टिंग फेज पर इस पर जो है वाटरिंग की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि देखिए इसकी जो सॉइल है ऑलवेज मॉइस्ट होनी चाहिए, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके जो ये प्लांट्स हैं ये मुरझा जाएंगे, इसके बाद देखिए ये वापस से ग्रोथ नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए देखिए सॉइल हमेशा आपको इसकी मॉइस्ट रखना है। और अभी भी देखेंगे आप तो देखिए इसकी और भी सीड्स की जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट हो रही है, ये देखिए। तो चलिए हम इसे प्लेस कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में और कुछ दिन का वेट और करते हैं जब तक इनके जो प्लांट्स हैं थोड़े और बिग होते हैं और फिर देखते हैं इसका आगे का रिजल्ट। आफ्टर 35 डेज। तो यहाँ पे देखिए जो हमने हमारे कोरिएंडर प्लांट्स को लगाया था इनकी सीडलिंग से, इन्हें लगा हुए 35 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो प्लांट्स की ग्रोथ है कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। अब देखिए हमें हर 15 से 20 दिन के गैप में इसमें ऐड करना पड़ेगा फर्टिलाइजर। और देखिए ये जो हमारी वीडियो पूरी ऑर्गेनिक प्रोसेस के ऊपर है, इसलिए हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि बर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे। तो देखिए सिंपली देखिए जैसे कि हमारे इन प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो देखिए ज्यादा में इनसे छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली देखिए ये है हमारा बर्मी कंपोस्ट। आप देखिए बर्मी कंपोस्ट की जगह चाहें तो 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको इसे लेना है बर्मी कंपोस्ट को और सिंपली देखिए इसमें कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आपको कर देना है इसकी वाटरिंग। और देखिए ये जो प्रोसेस है आपको हर 20 दिन के गैप में रिपीट करना है। और देखिए एक बात का आपको याद रखना है, जैसे जैसे देखिए इन प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो इन पे देखिए इंसेक्ट का भी अटैक बढ़ने लगेगा, इसलिए आपको देखिए हर इसमें 15 से 20 दिन के गैप में नीम ऑयल यानी कि जो कि हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उसका आपको इस पर स्प्रे करना है। 1 लीटर वाटर में आपको 5 ml नीम ऑयल ले लेना है, अच्छी तरीके से डिजोल्व करने के बाद उसे कर देंगे आप इस पर स्प्रे। तो उसे भी देखिए मैं स्प्रे करता रहता हूँ। तो चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं जब तक देखिए इनके जो प्लांट्स हैं थोड़े और बिग होते हैं और फिर करते हैं हम इसकी हार्वेस्टिंग। और देखिए अगर ये वीडियो आपको आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखिए हमारे चैनल पर ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं।
आफ्टर 55 डेज। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने हमारे कोरिएंडर यानी कि धनिया प्लांट्स को लगाया था इनकी सीडलिंग से, इन्हें लगा हुए 55 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, जो हमारा कोरिएंडर है यानी कि धनिया अब रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के लिए सिंपली आपको देखिए सीजर लेना और इससे हम हमारे कोरिएंडर को कर लेंगे हार्वेस्ट। तो चलिए मैं करता हूँ इसे हार्वेस्ट। एक बात का आपको याद रखना है, इसे देखिए आपको उखाड़ना नहीं है रूटिंग के साथ, इसे आपको देखिए ऊपर से कट कर लेना है जिस तरीके से देखिए मैं कर रहा हूँ। कुछ देखिए इस तरीके से। इससे क्या होगा, देखिए इसकी जब आप पूरी तरीके से स्टेम्स को कट नहीं करेंगे तो देखिए दोबारा इससे आप धनिया ले सकती है। देखिए एक प्लांट से आप लगभग 2 से 3 बार धनिया ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके ज़्यादा अगर आप बाद लेंगे तो ये कुछ काम का नहीं रहता है। तो 3 बार तक की हार्वेस्टिंग सफिशियंट रहती है। तो इसी तरीके से देखिए मैं कोरिएंडर को धनिया को कर लेता हूँ कट। और देखिए एक बात का याद रखना है, प्लांट्स की हाइट अगर ज़्यादा बिग हो जाती है तो इनका जो एक्सट्रैक्ट रहता है यानी कि देखिए जो इनका फ्लेवर रहता है वो कम हो जाता है। इसलिए देखिए अगर आप ऐसे छोटे ही प्लांट्स में हार्वेस्ट कर लेंगे कोरिएंडर को तो इसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा और आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, यानी कि फिर आपको जल्दी जल्दी भी इसकी हार्वेस्टिंग मिल पाएगी। तो चलिए हम पहले करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे कोरिएंडर की हार्वेस्टिंग है देखिए वो भी हमने कर ली और आप देख सकते हैं कितने सारी हमने देखिए इसकी पहली हार्वेस्टिंग ले ली है। और देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कितना सारा धनिया इसमें लगा हुआ है। तो देखिए इसी तरीके से आप भी अपने घरों में कोरिएंडर को लगा सकते हैं, वो भी उनकी सीडलिंग से। और देखिए कितनी अच्छे में इसके रिजल्ट मिले हुए हैं। इसके बाद देखिए आपको हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग करने के बाद इसका क्या करना है, इसमें ऐड करना है फर्टिलाइजर यानी कि वर्मी कंपोस्ट। आप देखिए जितनी बार भी इसकी हार्वेस्टिंग करें उतनी बार देखिए आपको इसमें वापस से ऐड करना है वर्मी कंपोस्ट। चलिए हम इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो इसमें बर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर दिया है। इसके बाद देखिए हम इसकी वाटरिंग कर देंगे और इसे प्लेस कर देंगे वापस से डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि देखिए जो हमारे कोरिएंडर यानी कि धनिया के प्लांट्स होते हैं ना डायरेक्ट सनलाइट ही पसंद होती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से देखिए आप भी अपने घरों में कोरिएंडर यानी कि धनिया प्लांट्स को लगा सकते हैं, वो भी उनकी सीडलिंग से। और जिस तरीके के देखिए सक्सेसफुल और अमेजिंग रिजल्ट मैंने पाए हुए, इसी तरीके का रिजल्ट आप भी पा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माई यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे हम फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।